नमस्कार, मैं विनीता महतो तहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ा चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है मूवी। फ्रेंड्स, मैंने एक मूवी देखी, रादर इट इज अ वेब सीरीज। मैंने जब इसका फर्स्ट एपिसोड देखा उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सबों के साथ इसको जरूर डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट पेड प्रमोशन और ये कोई रिव्यू भी नहीं है, बट मूवी इतनी अच्छी है कि इस पे बिना चिट चैट किए मैं रह नहीं सकी। नाउ मूवी क्या है? मूवी का नाम है ग्रहण। सबसे पहले अ शॉर्ट एंड क्विक इंट्रो ऑफ दिस मूवी। ग्रहण इज स्ट्रीमिंग वेब टेलीविजन ड्रामा सीरीज क्रिएटेड बाय शैलेंद्र कुमार झा, डायरेक्टेड बाय राजन चंदेल फॉर हॉटस्टार, बेस्ड ऑन द बुक चौरसिया बाय सत्य व्यास, एंड पवन मल्होत्रा एंड जोया हुसैन आर इन लीड। फ्रेंड्स, दिस मूवी इज वॉट वॉचिंग। फ्रेंड्स, अब जाओ और इस मूवी को देखो। मैंने ग्रहण को देखा और मुझे लगा कि दिस फिल्म इज वर्थ वॉचिंग। दो ऐसे मेन पॉइंट है जिसके लिए मैं बोल रही हूँ आप इस मूवी को देखो। पहला तो ये है कि अ ग्रे शेड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो दंगे हुए थे 1984 में, कब, कैसे, कहाँ, कौन, वो बहुत अच्छे से इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। मैं ये समझती हूँ कि बिना कुछ बोले या बिना कुछ किसी को इशारा किए भी इस मूवी में उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। अब दंगे जो होते हैं वो दो कम्युनिटी की होती है, एक जो दंगे करवाते हैं और दूसरा जो दंगे में इन्वॉल्व होते हैं, जो दंगे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका लाइफ अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कॉमन पीपल, जो भी जो कॉमन पीपल होते हैं वो हर जगह अफेक्टेड हो जाते हैं। उनकी लाइफ कैसे एक्सपॉइल होती है, उनकी लाइफ कैसे सफ़र करती है, इस फिल्म में बहुत खूबसूरती के साथ उसको दिखाया गया है। और दूसरी जो कम्युनिटी रहती है जो दंगे करवाते हैं, वो क्या करते हैं, दंगे के आग में वो अपनी राजनीति का जो रोटी है वो सेकते हैं। इस फिल्म में बहुत खूबसूरती के साथ इसे दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। गो एंड वॉच दिस मूवी। अब मेरी मदर जैसे मुझे कहती थी कि दंगे हुए थे, तो मैं उस समय पैदा भी नहीं ली थी। और मेरे जेनरेशन जो है, आप सबों में बहुत सारे ऐसे हों जो 1984 में पैदा भी नहीं लिए थे, तो मेरी मदर हमेशा डिस्कस किया करती थी कि सिचुएशन कैसे थे, लोग कैसे थे, तो मैं उस चीज़ को शायद समझ नहीं पाती थी। बट आप जब इस मूवी को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ, आज से 30 या 40 साल पहले लोग कैसे दिखते होंगे, लोगों के हेयर स्टाइल कैसे होंगे, लोगों की स्टाइलिंग कैसी होगी, लोकेलिटी कैसा होगा, मार्केट कैसे होंगे, वो किस लहजे से बात करते होंगे, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो एक कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री का छाप है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई एम डैम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी। और दूसरा जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक हिस्ट्री को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ इसमें एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी जो बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट की गई है, जो बहुत अच्छी तरीके से निभाई गई है। और दूसरी ये बात है कि इसमें कोई खांस नहीं है, कोई कपूर्स नहीं है, कोई भट्ट नहीं है। इवन दो द मूवी इज फैंटेस्टिक, द मूवी इज अनदर लेवल, आपको इस मूवी को देखना ही चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं बता ही रही हूँ। दूसरा जो है, जो आजकल के जो जेनरेशन है वो लव को क्या समझते हैं, लव एक लिंक है बिटवीन हुकअप टू ब्रेकअप, यही उनके लिए लव है। बट इस फिल्म में दर्शाया गया है लव इज ए ब्यूटीफुल फीलिंग, इट इज अ वर्ल्ड अराउंड यू, अनकंडीशनल लव। लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है, वो किसी कंडीशन के साथ नहीं आता है। तो इस मूवी में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है।
आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए अपनी जिंदगी, अपना जो जिंदगी किस तरह आप उस पूरी जिंदगी आप एक आदमी के ऊपर निछावर कर दे रहे हो, जो शायद आपके पास भी नहीं है, जो शायद आपके साथ भी नहीं है। तो इस चीज को बहुत 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 अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, गो एंड वॉच दिस मूवी। आप जो भी इस फिल्म को देखे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं कितने हद तक सही हूँ। और जो भी इस फिल्म को नहीं देखे हो तो फ्रेंड्स, गो एंड वॉच दिस मूवी, दिस इज वर्थ वॉचिंग। बहुत अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, आपको कुछ जानने को मिलेगा, मॉरल वैल्यूज है और लव स्टोरी तो है। सो फ्रेंड्स, गो एंड वॉच दिस मूवी। मैं बहुत यकीन के साथ कह रही हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी। मैं विनीता आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी।